इस क्वेश्चन में आपको ax प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू cos y है, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है dy by dx। ठीक है, अब dy by dx निकालना है तो हमारे पास अब तक हम लोग करते आए हैं कि जो डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो y एज ए फंक्शन ऑफ x दिया रहता था, या कोई फंक्शन ऑफ x दिया रहता था, हम उसे y एज्यूम कर लेते थे। लेकिन इस सिस्टम में अगर हम चाहें कि y एज ए सब्जेक्ट बना लें, ठीक है, तो cos y इधर ले आओगे आप, तो y एज ए सब्जेक्ट नहीं बनने वाला कि cos से y कैसे निकलेगा। ठीक है, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें y को सेपरेट नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, चलिए नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम जानिए, आइडेंटिफाई कर पाइए या मत कर पाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिवाइड बाई डी एस तो निकल ही जाएगा। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या करते हैं हम लोग, दोनों साइड को डी बाई डी एक्स ए एक्स और प्लस क्या हो गया आपका बी वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ y। तो पहला स्टेप आपका हो गया कि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो d बाई डी एक्स आपने कर दिया। ठीक, अब एलजेब्रा लगा दीजिए आप डिफ्रेंशिएशन का, तो d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स और प्लस d बाई डी एक्स ऑफ डी वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, अच्छा d बाई डी एक्स यहां पे जो cos है ये x का तो फंक्शन है नहीं, ये y का फंक्शन है, तो cos जब भी डिफ्रेंशिएट होगा ये y के रिस्पेक्ट में होगा, इसका मतलब हमें यहां d बाई डी वाई चाहिए। ठीक है, तो अगर उसकी रिक्वायरमेंट d बाई डी वाई की है तो dx का क्या किया जाए, तो उसे इधर एडजस्ट करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो चलिए आपका दोनों काम हो गया, तो ये अब डिफ्रेंशिएट हो जाएगा cos, क्योंकि cos y का फंक्शन है और उसको क्या डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। खैर, अब a यहां पे कांस्टेंट था, बाहर आ जाएगा, फिर क्या बचेगा आपका, a यहां पे अगर बाहर आ जाएगा तो dx by dx बचेगा या x का डेरिवेटिव वो 1 होता है। ठीक है, यहां से b कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका हो गया a into 1, तो लिखेंगे नहीं b। अब देखिए y स्क्वायर है, y स्क्वायर का मतलब दैट इज अ फंक्शन ऑफ y, ये y का फंक्शन है, तो कभी भी x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा, फिर वही चेन रूल, d बाई डी वाई करिए और dy बाई डी एक्स करिए। ठीक है, तो d बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डीवाई बाई डी एक्स, इस स्टेप को कुछ लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, खैर आपकी भी आदत पड़ जाएगी, आप भी डायरेक्ट कर लोगे। ठीक, लेकिन अभी तो हम लोग रूल वाइज चलेंगे, दैट इंप्लाइज a प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर का, एन एक्स एन माइनस वन, तो y का है तो एन वाई एन माइनस वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका 2y और 2 माइनस वन, मतलब 2 माइनस वन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम लोग यहां सिंपली ये लिखते हैं, और 1 भी कौन लिखता है, कोई नहीं लिखता है, तो 1 छोड़ दिया हमने, तो दैट इज dy बाई डी एक्स। अच्छा, नंबर्स पहले आते हैं। ठीक है, हम तो एक ही स्टेप में कर ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास मिटाने की सुविधा है, आपके पास नहीं है, आपको स्टेप क्या करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मकारी बिल्कुल नहीं करनी है, dy बाई डी एक्स। अच्छा, फाइंड आउट क्या करना था हमें, dy बाई डी एक्स, तो कुछ dy बाई डी एक्स यहां पड़ा हुआ है, कुछ RHS में पड़ा हुआ है, तो सारे को कलेक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट कैसे करते हैं, उनके कोफिशियंट कलेक्ट कर ले, यहां पे dy बाई डी एक्स का कोफिशियंट क्या है, दैट इज 2by, 2by। ठीक है, और इधर आपका dy बाई डी एक्स का कोफिशियंट क्या है, दैट इज माइनस ऑफ साइन वाई, लेकिन वो RHS में, जब LHS में आएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे प्लस का साइन ऑफ वाई। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, अब उधर तो कुछ बचा नहीं, लेकिन ये जाएगा उस साइड में, a, a जाएगा उस साइड में, तो इधर तो प्लस था, उधर जाके क्या हो जाएगा आपका, माइनस a हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें निकालना था dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स एज ए सब्जेक्ट बना लीजिए, तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस a ओवर 2by प्लस साइन ऑफ y।
ये आपका आंसर आ गया।